घोड़ों का शौक तो बड़ा शाही शौक है। ये मेरे ससुर कर्नल मोहम्मद असलम खान को घोड़ों का शिकार का बहुत शौक था, और ये उनका छोटा बेटा है शाहिद नवाज खान, इसे सोनियन है और बाहर के मुल्क में पढ़े हैं, बैंकर रहे हैं, और वो अपने वालिद की ट्रेडिशन को कायम रखते हुए उन्होंने ये घोड़ों का शौक दोबारा से शुरू किया। माशाल्लाह उनके जो घोड़े रेस कोर्स पार्क में जब जाते हैं ना, तो वहाँ ये फर्स्ट आते हैं और कई इनाम ले चुके हैं। उनके बच्चे जब आते हैं वो राइडिंग भी करते हैं और ख़ुद भी वो टेंट पेगिंग करते थे। चिसन कॉलेज में उनकी टीम होती थी। एक घोड़े की कीमत क्या होगी? ये तो इनसे पूछें क्या होगी। मैंने तो ज़्यादा तौर पर शौक में के लिए रखते हैं। आई थिंक वो बेचते नहीं हैं, ख़रीदते हैं और बाहर से भी लेते हैं, और अच्छी ब्रीड के घोड़े रखते हैं। आम ब्रीड वो साथ नहीं रखते, क्योंकि घोड़ा जब पालना है तो खर्च तो उतना ही करना है। तो वाई नॉट हैव अ गुड यू नो हॉर्स हु हैज अ गुड नेम एंड गुड ब्रीडिंग एंड हु इज़ रियली ब्यूटीफुल आल्सो। हम सुनते थे कि जरदारी साहब के घोड़े हैं जिनको वो बादाम खिलाते हैं, मुरब्बे खिलाते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं। तो यहाँ के जो घोड़े हैं उनको भी कोई ऐसी ही शाहाना खुराक खिलाई जाती है? आप इनको देखें कितने माशाल्लाह सेहतमंद हैं, मगर ख़ुराक इनकी बहुत अच्छी है। इनकी एक डाइट होती है, उसके मुताबिक इनको डाइट दी जाती है, उससे कम नहीं ज़्यादा भी नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहती है? कानून में जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त से क्या आप समझती हैं कि इमरान खान का रजीम चेंज ऑपरेशन का बयानिया जीत गया? 20 सीटें जो थी वो इमरान खान की थी है? और उसमें से हमने 4-5 सीटें हमने ले ली उससे वापस, नॉट बिकॉज उसका बयानिया था या कोई और वजूहात थे। वो और थे क्योंकि लाहौर के लोग थे, उनकी अपनी अपनी सोच होती है, और उसकी वजह से कई अप्स एंड डाउन्स वी हैड टू फेस। हमजा शहबाज के वज़ीर-ए-आला बनने से हटने तक जो कुछ हमने पंजाब की सियासत में देखा, क्या ये रिवायत दुरुस्त है? पहले जो हुआ था असेंबली में जी, कि जो स्पीकर के साथ बदतमीज़ी हुई थी, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो जबान इस्तेमाल की गई वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो असेंबली में होता रहा, कई दफ़ा हुआ, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मगर जो आए भी थे तो वो पार्टी के हेड थे, चौधरी शुजात साहब जो थे वो पार्टी के हेड थे। तो मुझे देखें, अगर पार्टी के हेड से अगर इन्होंने नहीं पूछ के अपना वोट डिसाइड किया था तो इनको पूछना चाहिए था। ये दो भाई थे, मियां शुजात और परवेज़ इलाही, और ये चौधरी ज़हूर इलाही का बड़ा बेटा चौधरी शुजात थे। सियासत इनके घर की थी। इन्होंने परवेज साहब को बहुत अपने छोटे भाई और भिनोई भी थे, बहुत प्यार से इकट्ठे रहे हैं। तो सलाम मशवरा इनको टाइमली करना चाहिए था, और वो नहीं चाहते थे कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बने पीटीआई का, वो चाहते थे चीफ मिनिस्टर बने नून की तरफ से, ताकि फिर अल्टीमेटली हम एक हो जाएंगे, नून और काफ मिल जाए। तो अच्छा होता कि काफ और नून एक हो जाते, अगर वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते। चीफ मिनिस्टर तब भी होते, अब भी हैं तब भी होते, तो द गेम वॉज फॉर हिम। अपने ज़मीनों पर लगी धान की फसल का जायज़ा लिया। इमरान खान ने जो अभी 9 हलकों पर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, इसको आप किस नज़र से देखती हैं?
मैं तो ये समझती हूँ कि वो किसी पे इतबार नहीं करता सिवाय अपनी ज़ात पे, और इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टीज में ऐसा नहीं होता, सियासत इतना आसान खेल नहीं है, इसमें दिल भी बड़ा करना पड़ता है, और इसको एक जैसे कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू हिम यू हैव टू हैव अ इवन प्लेइंग फील्ड, और आपको अपने पार्टी के लोगों को टिकट दे के उन पे इत्माद करना पड़ता है। शाहपुर की मशहूर सौगात खोए वाले गुलाब जामुन खाने मलकांदी हटी गई। मुस्लिम लीग नून के स्पोर्टर्स के साथ तस्वीर बनवाई। शाम ढले घर वापस आई। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ चाय पी। ज़किया शाहनवाज के साथ खुशगवार गपशप भी हुई। पीटीआई की हमायत से मिलने वाली चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला के बाद मुस्लिम लीग काफ में दोबारा दमखम आता देख रही हैं? देखिए जी, दमखम तो मैं ज़रूर देखती अगर वो जुड़ के रहते, मगर अब देखिए उन्होंने एक दूसरे के साथ ये जो एक एक, एक, एक शुजात हुसैन साहब एक तरफ, परवेज इलाही एक तरफ, तो एक फूट सी पड़ गई है। क्या मुस्लिम लीग नून इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लगवाना चाहती है? लगवाना नहीं चाहती, कोई किसी पे लगाना नहीं चाहता, कानून के तहत कानून फैसला करेगा, लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, कानून में जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। क्या तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी आयद होनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ हर जमात को हर चीज़ इतनी क्लियर रखनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और किसी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर गलत काम करे जो भी जमात हो, पाबंदी क्या, वो तो फिर लगेगी और लगनी चाहिए अगर गलत काम हो तो। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का इत्तेहाद कितना अरसा चलते देख रही हैं? मजबूरन चलाएंगे, मगर कौन चाहता है इनकी मेजॉरिटी और 10 वोटों वाला हुकूमत करे और वो उनके नीचे लग जाए। बकौल मरियम नवाज, नवाज शरीफ की महफूज वापसी की गारंटी दी गई थी, किसने गारंटी दी होगी? नवाज शरीफ की गारंटी जो मिलेगी ना या है, जब वो देखेंगे कि उनके केसेस में कुछ नहीं है और जजेस जो भी फैसला करेंगे, अगर कुछ होता तो अब तक कुछ मिल गया होता। ये तो मियां नवाज शरीफ का हौसला है, कभी उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं किया, सब्र से काम किया, लाइक अ लीडर। लीडर वो होता है जो अब्जॉर्ब करे हर किस्म का ऊंच और नीच को, एंड मियां साहब ने अब्जॉर्ब किया। वो बोले नहीं है किसी के ख़िलाफ़, गाली गलोच नहीं की, किसी को नाम नहीं दिए, और बहुत ग्रेसफुल तरीके के साथ वो अपना सियासत कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ मियां साहब बहुत बड़े लीडर हैं, क्योंकि उनमें हौसला और टॉलरेंस है।